नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि हमारे मासिक पत्रिका अंक 4 से प्रतिलेखन संख्या 15-16 होगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी स्टेनो ग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम लोग और बेहतर कर सकें। डेली डिक्टेशन के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आए हुए कठिन शब्दों के आउटलाइन हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी? अध्यक्ष महोदया, मेरा अंतिम प्रश्न इस बात से संबंधित था कि इस संबंध में कोई विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है अथवा नहीं। इस संबंध में यह उत्तर दिया गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किसी समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि निगरानी के लिए पहले ही एक सुदृढ़ संस्थागत और विनियामक तंत्र मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द नौकरशाही के हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तर में प्रस्तावित दृष्टिकोण की समीक्षा की जाए। मैं यहाँ यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, जो कि भारतीय शहरों के लिए एक आघात के रूप में सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत शहरों की वायु सबसे अधिक प्रदूषित है और उसमें दिल्ली सबसे ऊपर है। क्या उसमें यह कहा गया है कि विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में से 13 शहर भारत में है? क्या गत वर्ष ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज संबंधी अध्ययन में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि उच्च रक्तचाप, प्रदूषण, तंबाकू, धूम्रपान और कुपोषण के पश्चात भारत में होने वाली मौतों का 5वां सबसे बड़ा कारण बाहरी वायु प्रदूषण है? वाहनों और ईंधन हेतु उत्सर्जन मानकों की सिफारिश करने के लिए एक ऑटो ईंधन समिति का गठन किया गया था। क्या आपने ऑटो ईंधन नीति समिति से वाहनों और ईंधन गुणवत्ता हेतु उत्सर्जन मानक रूपरेखा के संबंध में कोई निर्णय किया है? गत एक दशक के दौरान प्रदूषण नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करने की उपेक्षा अज्ञानता और भ्रष्टाचार सहित लोकलुभावन राजनीति एक सबसे बड़ी बाधा रही है। अब हमें यह मत बताइए कि वायु को स्वच्छ बनाने के लिए आप PPP पद्धति के आधार पर कुछ करने जा रहे हैं। प्रदूषण कई कारणों से होता है और आप जिस रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं उसमें केवल वायु प्रदूषण को ध्यान में रखा गया है, और इसलिए ये विश्वविद्यालय रिपोर्ट में हमारी रैंकिंग में कमी आई है।
वस्तुतः प्रदूषण का आकलन करने के लिए पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता, दूषित जल शोधन, कृषि सहायता, कीटनाशक विनियमन, वन क्षेत्र और परिवर्तन, तटीय रेतीले वन दबाव, मछली पकड़ने आदि जैसे 20 सूचक हैं। अतः यह रैंकिंग आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं वह इन सभी मानदंडों पर आधारित नहीं है। महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि डीजल प्रदूषण के अलावा छोटे छोटे कारखानों का प्रदूषण, यहाँ तक कि कुछ लोग घरों में केमिकल कारखाना खोलते हैं जिसके कारण भी हवा में प्रदूषण फैलता है। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहती हूँ। झारखंड राज्य के कोडरमा संसदीय क्षेत्र में गिरिडीह और कोडरमा जिले के अंतर्गत अभ्रक खनिज संपदा भारी मात्रा में मिलती रही है। इस खनिज संपदा के कारण कोडरमा और गिरिडीह दुनिया के बाजार का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। आज की तारीख में सरकार की गलत नीतियों के कारण वह उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया है। अब वहाँ पर अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं जिन्हें डिबरा के रूप में मजदूर चुनते हैं और उसका व्यापार होता है, किंतु सरकारी नियम डिबरा के रूप में अभ्रक के व्यापार करने का नहीं बनाया जाने के कारण, और चूंकि यह मामला भारत सरकार के अधीन आता है उसके कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हैं जो व्यापारी उससे जुड़े हुए हैं। वे प्रशासनिक पदाधिकारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनके द्वारा उनका शोषण हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि डिबरा को नियमित करने के लिए नियम बनाए जाएं, नीतियां बनाई जाएं और अभ्रक के उद्योग को फिर से जीवंत करने के लिए वहां पर नए सिरे से सर्वे कराने का जियोलॉजी विभाग को हिदायत दी जाए। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य हम शून्य काल के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं का बैलेट कहते हैं। इस समय अब अनेक सदस्यों ने कुछ बोलने के लिए अनुरोध किया है। यदि हम इनकी अनुमति देते हैं तो बैलेट की प्रणाली की कोई पवित्रता नहीं रहेगी। इसलिए यदि केवल कोई तात्कालिकता है और वह भी तब जब केवल एक या दो ही अनुरोध हैं तो मैं अनुमति दूंगा, लेकिन 15 माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है, मैं उनको कैसे अनुमति दे सकता हूँ? यदि आप सहयोग देंगे तो मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल 1 मिनट का समय दे सकता हूँ। मैं 1 मिनट से अधिक समय नहीं दे सकता हूँ, केवल आप सहयोग कीजिए। मैं सदस्यों को केवल 1 मिनट बोलने की
अनुमति दे सकता हूँ। भविष्य में हम एक या दो अनुरोधों को ही स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यदि 15 माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं तो इनको अनुमति देना कठिन है। माननीय सभापति जी, इंदपुरी जलाशय की पर्याप्त पानी नहीं छोड़े जाने से बिहार के लाखों किसानों का जीवन में हो गया है। शाहबाद क्षेत्र के किसान आज कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए विवश हो गए। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बांध सागर समझौता के तहत बिहार को आवंटित पानी की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि इस क्षेत्र में फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। स्टाप दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मासिक पत्रिका के 4th अंक है। अगर आपको चारों अंक लेना है उसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। चारों अंक लेना है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।